अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कैसे हैं दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे आज हम पित्त की पथरी के बारे में बात करेंगे यानी गाल ब्लैडर स्टोन के बारे में आखिर ये पथरी क्यों बनती है कैसे बनती है और इसका क्या इलाज है इसके बारे में तफसील से बात करेंगे लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड और जंक फूड और आयली चीज़ें खाने के शौकीन हो चुके हैं हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक अनर्जी ड्रिंक सोडा ड्रिंक पीने के आदि हो चुके हैं जिसकी वजह से हमारे जिसम में बहुत सी तब्दीलियाँ आनी शुरू हो गई हैं और हम बीमार रहने लगे हैं जिसमें पिते की पथरी भी शामिल है पत्ते की पथरी भी इन्हीं गज़ाओं की वजह से बनती है पत्ते को अंग्रेज़ी में गॉल ब्लडर कहते हैं हमारा जिगर एक ख़ास जूस बनाता है जिसे बाइल कहते हैं जो चिकनाई यानी फैट को हज़म करने में मदद देता है ये बाइल इस पत्ते में स्टोर होता है और जब हम खाना खाते हैं इसमें मौजूद चकनाई जब डिडन में आती है तो ये बाइल इस पत्ते से निकल कर डिडन में आता है और इस चकनाई को हज़म करने में मदद देता है जब हम अपनी ख़ुराक में चकनाई कम इस्तेमाल करेंगे तो ये बाइल पत्ते में स्टोर होना शुरू हो जाता है और गाढ़ा होता जाता है जिससे स्टोन बनना शुरू हो जाता है अगर पीते में पथरी छोटे छोटे साइज़ की बने तो ये ज़्यादा ख़तरनाक होती है क्योंकि ये ट्यूब में रुकावट बनकर रास्ता बंद बन कर देती है जिससे बाइल नहीं निकल सकता और फिर मरीज़ को तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है आज तक जदीद साइंसी दौर में इस पथरी का अभी तक कोई इलाज दरियाफ़्त नहीं हुआ कुछ मरीज़ शवाओं के ज़रिए इलाज करवाते हैं मगर ये भी बेकार माना जाता है इसका सिर्फ़ एक ही हल है कि इस पत्ते को ऑपरेशन करके निकाल दिया जाए पिते में रोज़ाना 400 सौ से लेकर 800 सौ तक बाइल बनता है जिसमें तकरीबन 500 सौ कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है पित्ता बाइल खुद नहीं बनाता लेकिन सिर्फ स्टोर करता है बाइल सिर्फ़ हमारा जिगर बनाता है अगर जिसम से पित्ता निकाल भी दिया जाए तो बाइल बनना बंद बन नहीं होगा हाँ सिर्फ स्टोर नहीं होगा क्योंकि अब पत्ता मौजूद नहीं होगा जिन मरीज़ों की ख़ुराक में फ़ैट नहीं आती तो ये बाइल भी खारिज नहीं होता जिससे पत्ते में बाइल स्टोर होता रहता है और फिर गाढ़ा होकर पथरी बनाता है जिन मरीजों के जिगर पे चर्बी बन जाती है यानी फैटी लिवर का मसला सामने आता है तो फिर बाइल कम बनता है जिससे खून में कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता है पिते में पथरी की क्या हो सकती हैं पहले नंबर पर राइट साइड पसली के नीचे शदी दर्द होती है दूसरे नंबर पर राइट शोल्डर में शदीद दर्द हो सकती है तीसरे नंबर पर वामिटिंग हो सकती है पेट में दर्द हो सकता है ब्लॉटिंग वगैरह की अलमत सामने आ सकती हैं पत्ते में पथरी बनने की क्या वजूहत हो सकती हैं इसमें हाई कार्बोहाइड्रेट फूड कुकिंग ऑयल वगैरह शामिल होते हैं जिन लोगों को मैदे में ज़्यादा तजाबियत रहती है उनको मैदे का मसला होता है तो वो तजावियत को कम करने वाली अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जिनसे तजावियत कम हो जाती है और बाइल भी कम आता है जिससे पीते में बाइल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है जो पथरी बनाता है अगर खाने से पहले थोड़ा सिरका ले लिया जाए या लीम का जूस ले लिया जाए तो इससे तदावियत बढ़ सकती है जिससे खुराक को हज़म करने में मदद मिल सकती है और फिर बाइल भी ठीक से खारिज होगा कुकिंग ऑयल में चूँकि ओमोग मौजूद होता है ये सोजिश करता है जिससे फैटी लिवर होता है जिसकी वजह से पित्त में पथरी बन सकती है कार्बोहाइड्रेट वाली गधाएँ खाने से इंसुलिन बनेगी जो इंसुलिन बाद में कोलेस्ट्रोल में कन्वर्ट होगी जिससे जिगर पे सोजिश या चर्बी आएगी जिससे पिते में पथरी बनने के इम्कान बढ़ जाते हैं इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली गदाएँ मत खाएँ गाल ब्लैडर को खाली रखने के लिए सैचुरेटेड फ़ैट यानी एनिमल फ़ैट ज़रूर इस्तेमाल करें जैसे मक्खन देसी घी बैल की चर्बी वग़ैरह ये सबसे बेस्ट हैं अगर आप ये सेचूरेट फैट खाते हैं तो पीते में पथरी नहीं बनेगी कब्ज भी नहीं होगी और यूँ आपका हाजमा भी ठीक रहेगा आप चाहें तो कोड लिवर ऑयल या ऑलिव आयल या फिश ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी फ़ायदा दे सकते हैं आप वाइटमिन सी का ज़्यादा इस्तेमाल करें इससे जिसम में इम्यूनिटी बढ़ेगी जिसम में तदाबीत बढ़ेगी जिससे खाना हज़म करने में आसानी होगी अप्रोबाटिक का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि गट हेल्थ आपकी ठीक रहे बैक्टीरिया ज़्यादा तादाद तो में रहें आपका गट हेल्थ सही रहेगा आपका हाजमा ठीक रहेगा तो आपके मसाइल कम से कम होंगे आप पानी ज़्यादा पियें वर्जिश करें हमेशा खुश रहें अपनी सेहत का ख्याल रखें उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई है अगर पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे आपका बहुत शुक्रिया अल्लाह ने के बाद